नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सिदारी स्थित राहुल परीक्षा गृह में ग्रामीण चिकित्सा संगठन का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां जिले के सभी ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे, जहां चिकित्सकों के अधिकार के बारे में चर्चा करते हुए सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रतिष्ठित MBBS MD सर्जन डॉक्टर्स भी शामिल रहे। मुख्य रूप से कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर हेमेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हृदय चौहान, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर विशाल जायसवाल, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर इकराम, डॉक्टर पंकज जायसवाल, डॉक्टर मोहम्मद दानिश, डॉक्टर संजय गौड़, डॉक्टर पंकज यादव, डॉक्टर अशोक चौहान आदि डॉक्टर उपस्थित रहे। वही इस कार्यक्रम का उद्घाटन आजमगढ़ के नवागत भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के कर शुरुआत किया गया, जहां श्री कृष्ण पाल जी ने कोरोना काल में ग्रामीण डॉक्टरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण चिकित्सा आदिकाल से चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं होते तो कोरोना काल में देश के आधे से ज्यादा आबादी कोरोना की भेंट चढ़ गई होती। अगर सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है, इसमें ग्रामीण डॉक्टर ही आगे बढ़ चलकर शामिल होते हैं। इस तरह से उन्होंने डॉक्टरों का हौसला अफजाई की, साथ ही ग्रामीण चिकित्सा को सरकार द्वारा भी बढ़ावा देने के लिए वार्ता करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र मणि मिश्रा, विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण पाल जी, VP पाठक रहे, जहां सभी वक्ताओं ने ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के अधिकारों पर चर्चा की और गर्व से ग्रामीण चिकित्सक बनकर रहने की बात कही। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। चिकित्सक स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर समारोह वार्षिक सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो लोग गरीब निरो लोगों का सेवा करते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और हम संगठन के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक जो उपेक्षित हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा भाव से मरीजों का सेवा करते हैं, इन लोगों को एक छोटी सी प्रशिक्षण दे करके, जैसे बहुत सारा चीज़ है, अभी मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में वहाँ एक कोर्स लॉन्च किया गया फर्स्ट एड कार्यकर्ता के लिए, NIUS में व्यवस्था है, बिहार में हमने करवाया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक प्रशिक्षण दे करके और इन लोगों को भी मान सम्मान दे करके और संभव हो तो सरकारी योजनाओं में, सरकारी रिक्तियों में जो है सुनियोजन किया जाए, अन्यथा इन लोगों को रोजी रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे करके, मान सम्मान दे करके रजिस्टर्ड कर दिया जाए। मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जयेंद्र मणि मिश्रा। जी, ये जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन एक संघ है जो ग्रामीण दूर दराज के इंटीरियर क्षेत्रों में जो छोटे डॉक्टर होते हैं, जो कि हम लोगों के यहाँ से कहीं से सीख के जाते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, परंतु ये लोग प्राथमिक उपचार अवश्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को ही ग्रामीण चिकित्सक करते हैं और उन लोगों ने अपना एक समूह बनाया, उसका आज स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह था, तो इसमें हमें बुलाया गया था, तो इसमें हम गए थे। अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ थी, इकट्ठा हुई थी और ये सारे लोग एकत्रित थे, तो इनके बीच में संबोधन का भी मौका मिला, तो जैसा बताया गया कि हमारी तरफ से यही सुझाव दिया कि समूह बना है तो अब इस समूह को कुछ ट्रेनिंग की और एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। इनको कुछ बेसिक अगर हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये और सही उपचार कर सकेंगे। अगर आप दुनिया के देशों की गिनती करेंगे और आजमगढ़ एज ए देश कंट्री कंसीडर करेंगे तो 126 नंबर पे ये देश बन सकता है। ये आजमगढ़ का अपना जो जनसंख्या के हिसाब से डाटा है, ये आजमगढ़ की जनसंख्या
जितनी है 60 लाख वो 126 देश के बाद खुद अपने आप में आती है। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे आप बहुत कुवैत वगैरह देश में होंगे, बहुत दुनिया के अमीर देशों में है, उसकी भी पॉपुलेशन टोटल 46 लाख है, जिसका मतलब आगे के लिए पॉपुलेशन बहुत से देशों से बहुत ज्यादा है। तो जहां तक आजमगढ़ मैनेज करने का सवाल है, आजमगढ़ को अगर मैनेज करना है ये संभव नहीं है कि वो 2-4-5-10 हॉस्पिटल्स फिर लगभग 60 लाख की पॉपुलेशन को कवर करे। उसमें आप लोगों का विशेष योगदान है। आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ कि कोरोना का काल चल रहा था और सौभाग्य से उस समय के जो डीएम साहब थे राजेश सर, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, किसी वजह से पहले से उनसे दोस्ती थी, तो उस दौरान उन्होंने एक रात को फोन किया जिस समय कोविड बहुत प्रबल पीक पे था। उस पीक पे उन्होंने यही बात पूछी कि तो सर ये बताइए कि कंट्रोल कैसे हो। मैंने कहा सर देखिए आप यही दो चीजें हैं, बस ये दो चीजों का आंसर से बता देंगे उसके हिसाब से हम आपको। समझ में नहीं आता मेडिकल कॉलेज फिर देता है, सब एक सिस्टम है, चेंज है, सबसे नीचे आप है सबसे ऊपर वो, नीचे का पत्थर गुरु मजबूत रहना चाहिए तभी ऊपर वाला काम करेगा। और ये भी बता दे रहे हैं कि आजमगढ़ हो या कोई भी शहर हो, जो जितना ज्यादा चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पेरिफेरी के डॉक्टर सबसे ज्यादा उसको मरीज भेजते हैं। हमारे पास भैया जितने मरीज आते सब आप ही लोग भेजते हैं, अलग से कोई आता आता नहीं, समझ रहे हैं। तो आप लोग व्यवस्था में बहुत स्ट्रांग पोजिशन है। और मैं ये भी बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे हैं जिनका अनुभव इतना ज़्यादा है कि उनकी डायग्नोसिस को कोई बहुत बड़ा डिग्री वाला भी काट नहीं सकता। कई बार हम लोगों के पास मरीज भेजते हैं और पहले से बता देते हैं सर इसको कोई भी दौर हो, अगर ये पेरिफेरी के डॉक्टर्स कहना भी गलत है, हम आप कोई अलग नहीं, कई परिवार हैं, हम यहाँ ऊपर बैठ गए तो ऐसा नहीं बड़े हो गए, आप नीचे बैठ गए छोटे हो गए, जो समाज है जो जान बचा है हमारे बार बार ये मानता है कि बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। ज़्यादातर इस देश में सबसे ज़्यादा जान पेरिफेरी का डॉक्टर ही बचाता है। अगर वो शुरुआती दौर में न करे, शुरुआती दौर में अगर सिस्टम न लगाए तो कितने लोग शहर पहुँचते समाप्त हो जाएंगे। तो फिर से हम कह रहे हैं कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार को इस पर ना पूरा फीडनेस देनी चाहिए, पूरा अपने आप रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। इतना बड़ा इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को संभालने के लिए बहुत सारा इमरजेंसी मैनेज करने के लिए ये आप लोगों के हिस्से की बात है। उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये समझ लीजिए। आज आप हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं, मैं तो डॉक्टर सुभाष सिंह से आग्रह करूँगा या और भी यहाँ के शहर के लोगों से आग्रह करूँगा कि भैया इन लोगों को इलाज का स्वागत सम्मान किया जाए ना, वो ये लोग ज़्यादा ये लोगों से इस मामले में। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।